मार्केट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा सा हटकर के है और खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए है जो अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं, प्रयागराज आना चाहते हैं या इसी तरीके के और भी शहर, चाहे वो लखनऊ हो या वाराणसी हो, तैयारी के लिए आना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है कि आखिरकार खर्च कितना आता है और विद्यार्थी किस तरीके से तैयारी करते हैं, दिनचर्या क्या होती है, कितने घंटे लाइब्रेरी में रहते हैं, कितने घंटे घर में पढ़ते हैं, खाना किस तरीके से बनाते हैं, यह बना बनाया मिलता है। तो दोनों जगह मैं गया, ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कम या थोड़ी या सामान्य जानकारी तो आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देख और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इस तरीके की जानकारी मिले। तो पहले चलते हैं हम लोग डेलीगेसी, कुछ छात्राओं से बातचीत करते हैं और उसके बाद में गर्ल्स हॉस्टल, वहां पर बातचीत करें कि गर्ल्स हॉस्टल में क्या सुविधाएं मिलती हैं, कितना पैसे का खर्च आता है, क्या रूल्स और क्या रेगुलेशन हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि प्रयागराज में किस तरीके से तैयारी करती हैं छात्राएं और क्या समस्याएं होती हैं, कितना खर्चा आता है, खाना कैसे बनाते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। और ये वीडियो खासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्राओं के लिए, उन छात्रों के लिए बहुत लाभदायक होगा जो प्रयागराज आने के लिए या किसी भी शहर आने के लिए तैयारी के लिए सोचते हैं। तो जी, आप पहले आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं। मेरा नाम रक्षा सिंह है और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रही हैं? एक साल हो गए। एक साल हो गया, जून से स्टार्ट किए थे। ये कहाँ से दिमाग में ख्याल आया कि हमको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? मेरा एक प्रकार से मेरा सपना था और मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, तो बीए थर्ड ईयर में मुझे लगा कि यूपीएससी कर लेना चाहिए क्योंकि वहाँ से बहुत सारे बच्चे करते थे और यूनिवर्सिटी से, तो मुझे वहाँ से गाइडेंस मिला, तो कुछ सीनियर्स थे हमारे, तो हमने उनसे पूछ के फिर स्टार्ट किया। यहाँ का माहौल प्रयागराज का और विश्वविद्यालय का अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये बताइए कि जो बाहर के जो छात्र जो प्रयागराज आना चाहते हैं, जो छात्राएं हैं, तो सबसे बड़ी पहला क्वेश्चन होता है कि उनका खर्चा कितना आता है। तो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन नहीं है लेकिन अब क्या राउंड फिगर होगा खर्चे का? खर्चा नॉर्मल सबका अपने हिसाब से अलग अलग। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे मेरा है तो मेरा रूम है, मैं और मेरा भाई रहता है, तो हमारा जो है 4,000 है रूम का किराया, और खर्चा वर्चा लेके एक लोगों का 4,000 से 5,000 में हो जाता है। अच्छा अच्छा हाँ। मेरा और भाई का दोनों का खर्चा मिला के 12,000 अप्रोक्सीमेटली इतना हो जाता है। अच्छा 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 ठीक है। तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, तो आप कोई कोचिंग कर रही है ऑफलाइन या ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रही है, कैसे पढ़ाई अब कर रही है? मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रही हूँ। मैं दृष्टि आईएएस की कुछ क्लासे देखी हूँ। हाँ। जैसे मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है तो मैंने विकास देवी कीर्ति सर से पढ़ा है, और जो है बाकी मैं ऑनलाइन यूट्यूब से जो टॉपिक्स मुझे, वैसे तो मेरा सेल्फ स्टडी ही है, बट मुझे जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आते, जो टॉपिक नहीं समझ में आते, तो मैं उसको यूट्यूब से देख लेती हूं। तो वो ऑनलाइन, हाँ ठीक है, वो सेल्फ स्टडी आप कर रही हैं, इसका मतलब ये है। कितना समय लाइब्रेरी में देती हैं, कितना समय आप घर में देती हैं? लाइब्रेरी में मैं सुबह 7 बजे आ जाती हूँ और बीच में 2 घंटे दोपहर जैसे 1 से 3 बजे तक मैं रूम पे जाती हूँ, फिर उसके बाद आती हूँ 7 से, कभी कभी 9 बज जाते हैं मुझे लाइब्रेरी में, कभी कभी 8 बजे। यानी कि आपका लगभग पूरा दिन लाइब्रेरी में व्यतीत होता है, 12 घंटे हो ही जाता है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा क्या है यहाँ पर कि आप पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ती हैं? क्योंकि यहाँ पे सारे लोग पढ़ते रहते हैं, एक दूसरे को देख के भी थोड़ा मोटिवेशन। अच्छा अच्छा, मोटिवेशन होता है जब छात्र लगातार पढ़ रहे हैं साथ वाले। हाँ। और शांति शांति भी रहती है और ऐसे। अच्छा 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 अच्छा। यूपीएससी की शुरुआत की आपने, तो कौन सी पुस्तकें आपने पहली बार खरीदी? सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट की 6 to 12 की। अच्छा अच्छा। पहले मैंने उसको पढ़ा, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को मैंने। कहाँ से घर के यहाँ से है आपका, कहाँ से आई हैं आप? मैं जौनपुर की हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसी तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर हूँ, गर्ल्स हॉस्टल है ये, चौधरी गर्ल्स हॉस्टल जॉर्जटाउन। पूछेंगे यहाँ पर कि क्या सुविधाएं मिलती हैं छात्राओं को और कितना खर्चा आता है एक छात्रा को। आइए अंदर चलते हैं हम लोग, मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कौन है। तो चौधरी गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ की जो मैनेजर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि एक बच्चे को लगभग कितना खर्चा आता है और इसकी लोकेशन कहाँ है यही बताएंगी, और क्या क्या सुविधाएं हैं इनके हॉस्टल में। जी आप जी बताइए। जी, हमारे यहाँ पे
ब्रेकफास्ट अवेलेबल है, लंच अवेलेबल है, शाम की चाय रहेगी, डिनर रहेगा। अच्छा, वाटर है, कॉमन एरिया में गैस है, चाय दूध कॉफी। अच्छा, कुछ उनको बनाना हो तो बना भी सकती हैं अपने से। जी जी जी, आरओ वाटर होगा, गर्म पानी के लिए सुविधा है, और सफाई रूम बाथरूम की हॉस्टल करवाएगा, वाईफाई अवेलेबल है, वाईफाई भी है, आरओ वाटर है अवेलेबल है बच्चों के लिए। हाँ, बाकी और कुछ परेशानी है अगर तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग गार्जियन की तरीके से यहाँ पर। अच्छा, तो खर्चा कितना आता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा ये है। पूरी तरीके से फुली फर्निश्ड है। अच्छा, चेयर, गद्दा, लाइट फैन सब कुछ अवेलेबल। गद्दा भी आप ही देती हैं? बच्चों को कुछ नहीं लेके आना है। कुछ नहीं लेके आना है। अच्छा, गद्दा कंबल वगैरह भी आप? ब्लैंकेट नहीं, बेड, गद्दा, टेबल, चेयर, लाइट फैन ये सब अवेलेबल। अच्छा अच्छा, पंखा वगैरह और टेबल? जी, टेबल भी अवेलेबल। अच्छा, ये अलमारी एक? जी जी जी। और खर्चा कितना आता है पर हेड अगर बच्चे का रहना खाना दोनों चीज़ें देखी जाए तो 6000 से स्टार्ट है। 6000 से लेकर के आप जैसा जो रूम पसंद करेंगे, सिंगल डबल ट्रिपल को, तो उस हिसाब से 7600 तक लास्ट है बजट। अच्छा, अगर एक रूम में दो बच्चे रहते हैं, शेयरिंग है, तो उसका कितना खर्चा है? 6000 से स्टार्ट है वो भी। 6000 से स्टार्टिंग है उसकी, अलग अलग टाइप के रूम है। अच्छा ठीक है, अगर तीन बच्चे हैं तो 65 है। ठीक है, तो अराउंड फिगर है कि 6000 से लेकर के 7700 के आसपास है। जी जी जी, रहना खाना दोनों चीज़ें हैं तो ठीक है, ये तो काफ़ी अच्छा है वैसे। क्योंकि बच्चे जो डरते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि प्रयागराज में खर्चा कितना आएगा, और सुरक्षा के लिए क्या, कब से कब कौन यहाँ पे आ सकता है, कौन जा सकता है, क्या टाइमिंग है, क्या? 6:00 गेट ओपन हो जाता है, इन केस अगर आपको कहीं एग्जाम वगैरह है तो उसके लिए गेट जल्दी खुल जाता है हमारे यहाँ, एग्जाम के समय केवल। जी, और बाकी रात में 9 बजे ऑफ होता है गेट। लेकिन अच्छा, अगर आप फिर भी कहीं बाहर हैं, कोचिंग है, कुछ भी दिक्कत है, तो लास्ट जो गेट ओपन होता है वो 10 बजे तक ओपन हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी आने जाने के लिए CCTV हमारे एंट्रेंस पे लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या यहाँ पर बच्चों के परिजन आ सकते हैं, भाई, पिताजी, माता जी? फीमेल्स आ सकती हैं। अच्छा, फीमेल्स की अंदर एंट्री है और जेंट्स की अंदर एंट्री नहीं है। जी जी जी, बहुत अच्छा। और अपना नाम बताएं और अपना फ़ोन नंबर भी बता दें यहाँ पर, या ऑफिस का, अगर कोई बच्चे जो देखें और कुछ उनको और कुछ जानकारी चाहिए यहाँ पर आने, कैसे आएँ, क्या चीज़ें हैं, तो जी। जी, मेरा नाम दीक्षा है और मेरा फ़ोन नंबर है 9794095196। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब जगह की स्थितियाँ आप लोगों ने देख ली। अगर गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे गर्ल्स जो हॉस्टल हैं वहाँ पर बातचीत करी है, और सबका लगभग लगभग यही है, 6000 से लेकर के 8000 10000 तक उनका किराया है पर मंथ का, जिसमें खाना और रहने का वो लोग सब सुविधा देते हैं। और अगर डेलीकेसी की बात करें तो वो आपके खर्च पर डिपेंड करता है, लेकिन जो इस छात्रा ने बताया लगभग 6000 रुपये और 6 से 7000 रहने का और खाने का खर्च होता है, इसके अलावा पढ़ाई, कोचिंग वगैरह का ये खर्च होता है वो अलग होता है। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।